अगर आपको अर्थ का फ्यूचर प्रेजेंट पास जानना है तो अंटार्कटिका आ जाइए। जब मैं अंटार्कटिका गई थी एक रशियन शिप से जिसका नाम एकेडमिक शोकेल्स्की था, मेरी जर्नी मद्रास से शुरू होती है जिसमें मैंने 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 वाटर बॉडीज क्रॉस की थी। मैंने कार से ट्रेवल किया, एरोप्लेन से ट्रेवल किया, शिप से ट्रेवल करने के बाद 100 घंटे से भी ज़्यादा समय मैंने अपने इस ट्रिप में दिए। वहाँ पहुँचते पहुँचते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन अंटार्कटिका पहुँचने के बाद मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा पीसफुल फील हुआ। कैसा लगता होगा जब हमारा इंडिया और अंटार्कटिका एक साथ जुड़ा होगा? बहुत पहले की बात है, जब इंसान इस दुनिया में नहीं आए थे तब एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम गोंडवाना लैंड था, जिसमें कई देश एक साथ एक ही कॉन्टिनेंट में थे, जिसमें इंडिया और अंटार्कटिका भी था। लेकिन फिर जब धीरे धीरे इंसान इस धरती पे आने लगे तो ये शिफ्ट होने लगा और इंडिया और अंटार्कटिका दोनों अलग हो गए, और ऐसे कई देश भी अलग हो गए जो एक साथ थे। पता नहीं कैसे इतनी ठंडी में मेरे जैसी लड़की जो साउथ इंडियन है, जो रोज सन की हीट को ऑब्जर्व करती है, वो यहाँ कैसे रहेगी? अंटार्कटिका में कोई ह्यूमन की निशानी नहीं है, वहाँ कोई ट्रीज नहीं है, बिलबोर्ड नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, आपको यहाँ अर्थ का कोई टाइम नहीं पता चलेगा। वहाँ आपको वही कीड़े मकोड़े, व्हेल्स, आइसबर्ग दिखेंगी, और एक आइसबर्ग ऐसी भी है जो बेल्जियम जितनी बड़ी है। 24 घंटे तक गर्मियों में तो यहाँ सूरज भी नहीं डूबता है, इतना साइलेंस रहता है कि सिर्फ यहाँ पे बर्फ टूटने की आवाज आती है और कुछ भी नहीं। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जो आपको फोर्स करेगी कि आप अर्थ की हिस्ट्री को जानो, और जानने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारा ह्यूमंस का जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं है। ह्यूमन सिविलाइजेशन से 12,000 सालों से है, और इतने कम समय में भी हमने इसको इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया है नेचर को, कि हर जगह विलेजेस, टाउन, सिटीज बना दिए, इतनी पॉपुलेशन कर दिए कि रिसोर्सेज कम हो गए हैं, इतने फॉसिल फ्यूल्स बंद किए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। वो 3 क्वेश्चन पूछती हैं। क्या आइस शीट मेल्ट हो जाएगी? गल्फ स्ट्रीम ये डिस्टरप्ट हो जाएगी? क्या अर्थ खत्म हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर तो हो सकता है मे बी और मे बी नॉट। अगर हम ठीक से रहेंगे तो ऐसा नहीं भी हो सकता है, वरना ऐसा हो भी सकता है। क्यों अंटार्कटिका अर्थ के फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट के लिए है जरूरी? अंटार्कटिका पे ह्यूमंस पॉपुलेशन नहीं है, और जो आइस कोर है 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड ट्रैप्ड है इसमें। स्टूडेंट ऑन आइस ये एक प्रोग्राम है जो शोकेल्स्की के साथ वर्क कर रहा है, जिसका एम है हाई स्कूल के बच्चों को दुनिया के कोने में ले जाके उन्हें प्लैनेट दिखाना है। ये प्रोग्राम 6 साल से चला रहे हैं। पहले ये सिर्फ अमीर और सेलिब्रिटीज के बच्चों को ले जाते थे, मगर अब उनसे उनको कोई फायदा नहीं होता है, तो अब ये स्टूडेंट को ले जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि अभी एक लर्निंग एज पे हैं और इनको ज़्यादा समझ में आएगा। इस प्रोग्राम का सक्सेसफुल होने का रीज़न यही है कि अगर आप अंटार्कटिका जाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसे समझो ना। आपको समझ में आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट है, हमारे छोटे छोटे चेंजेस भी कितने बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। अगर हम ओजोन लेयर को सही रखेंगे, फाइकोप्लांकटन अपना काम सही से करे, तो सब सही रहेगा। जब मैं अंटार्कटिका जा रही होती हूँ तो हमारा शिप बीच में रुक जाता है और फंस जाता है। कैप्टन कहते हैं कि तुम सब उतर जाओ। हम 52 स्टूडेंट एक शिप में होते हैं जो सब उतर के एक ओशियन पे चलने लगते हैं, मतलब बर्फीला ओशियन होता है, जो ओशियन के ऊपर बर्फ जम जाती है उस पर चलते हैं। ये पेनिनसुला और टेडपूल के बीच का आइलैंड होता है जहाँ पे हम फंस जाते हैं। वहाँ मैं देखती हूँ कि सील
जो बर्फ पे बैठी धूप सेक रही होती है, जैसे कि हमारे यहाँ डॉग ट्रीज के नीचे धूप से पछते हैं, वैसे ही वो धूप सेक रही होती हैं। और इतना ट्रेवल करने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि ब्यूटी कितनी ज्यादा बैलेंस है हमारे प्लेनेट पे। 2 हफ्ते इन टीन एजर्स के साथ रहने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस अर्थ को बचाने के लिए कितना ज्यादा जुनून है इनके अंदर। ये बहुत कुछ कर सकते हैं हमारे अर्थ के लिए मिलियन सालों में, और एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं ये, और हमें जागरूक हो जाना चाहिए।